यशस्वी जायसवाल की एक साथ आई और टीम इंडिया की जान बचाई। जी हां दोस्तों, छठे ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने छक्का लगाई और टीम इंडिया को दो रनों से जीत दिलाई। टीम इंडिया ने आयरलैंड को पहले T20 मैच में डकवर्थ लुईस सिस्टम से दो रनों से हरा दिया है। यशस्वी जायसवाल के उस छक्के के बदौलत टीम इंडिया का स्कोर 45 रन पर पहुंच गया था। अगर वह छक्का नहीं आता तो टीम इंडिया इस मैच में हार जाता। इस जीत से टीम इंडिया 3 T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। दोस्तों आगे इस वीडियो में जानेंगे कि इस मैच में क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बता दें दोस्तों कि इस मैच में टीम इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और वह फैसला अच्छा साबित हुआ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह पारी की शुरुआत करते हुए अपने पहले ओवर में ही आयरलैंड के दो खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। इस प्रकार 327 दिन बाद वापसी करते हुए बुमराह ने खतरनाक बॉलिंग की और उन्होंने बता दिया कि इनके गेंदों में अब भी वही धार है। इस मैच में आयरलैंड पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर मात्र 139 रन ही बना पाई, जिसमें सबसे ज्यादा बैरी मैकार्थी ने 51 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे, तो वहीं कैम्फर ने 39 रनों की पारी खेली, जिसके जवाब में भारतीय टीम मैदान पर आई और अच्छी शुरुआत की और पावर प्ले में 45 रनों की पारी खेली, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 3 चौके और 1 छक्के लगाए थे। फिर 7वें ओवर में 2 रन बनाकर भारत ने 2 विकेट गंवा दिए। तभी तेज बारिश आ गई और इस मैच को रोकना पड़ा। फिर डकवर्थ लुईस सिस्टम से टीम इंडिया 2 रनों से मैच जीत ली। इस मैच में बुमराह के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने भी 2-2 विकेट लिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।